वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है हनुमान जी का ये वाला पिग है, इसको ड्रॉ करने वाला हूँ। तो रेफरेंस वाला लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ। तो इस सबसे पहले का इसमें आउटलाइन बनाने वाला हूँ, जो कि गाइस प्रियन टेक्निक यूज करके जो है आउटलाइन बनाने वाला हूँ, और आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताने वाला हूँ। पेपर यूज कर रहा हूँ ब्रिस्टो का मीडियम साइज वाला पेपर यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो आप लोग को जो रेफरेंस वाला, आप लोग को पहले ब्लैक एंड कर देने, कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं यहाँ पर जो है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन यहाँ पर यूज किया हूँ। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करके जो है यहाँ पर ब्लैक एंड कर सकते हो। तो यहाँ पर पेंसिल यूज कर रहा हूँ, कैमलिन का मेगा पेंसिल। आपके पास ये वाला पेंसिल है तो आप जो है लाइट एरिया पेंसिल भी यूज कर सकते हो कोई भी। तो यहाँ पर गाइस आप लोगों को फेस को देखना पड़ेगा किस तरीके से है। तो यहाँ पर जो फेस देख सकते हो जो है फ्रंट फेस है और मिडिल में है। तो आप लोगों को उसी तरह से यहाँ पर जो है दो लाइन ड्रॉ कर देनी है जो पेपर में, जो एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली। तो यहाँ पर जो मैं लाइन ड्रॉ किया हूँ गाइस, जो दोनों आई के बीच में और जो नोज को देखते हुए एक यहाँ पर जो है लाइन ड्रॉ किया हूँ, और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ। अभी क्या करना है गाइस, जो रेफरेंस वाला आप लोगों को सेट कर देना है, जितना साइज में ड्रॉ करना है उतना साइज में जो है आप लोगों को जूम कर देना है। तो जूम करने के बाद गाइस दोनों आई के जो बीच में जो डिस्टेंस है गाइस गैप है, तो उसको आप लोगों को मेयर कर देना है। तो यहाँ पर जो जो कैमरे का मैकेनिज्म है उसका उसके थ्रू यहाँ पर जो है मैं मेयर कर रहा हूँ। तो मेयर करके गाइस आप लोगों को जो है पेपर में मार्क कर देनी है। तो मार्क करने के बाद गाइस जो आई की जो पोजिशन है उसको सेट करनी है। तो यहाँ से जो है यहाँ तक का डिस्टेंस जो है आप लोग को मेयर कर देनी है पेंसिल के थ्रू, और दूसरे आई को इस तरह से आप लोगों को मेयर करके जो है पेपर में आप लोगों को सेट कर देनी है मार्क करके, तो इस जगह पर जो है आई पड़ रहा है। उसके बाद गाइस जो उसके बाद गाइस आगे जो है आप लोगों को आउटलाइन को ड्रॉ कर देनी है जो है पोजिशन को सेट करने के बाद। आगे आउटलाइन को ड्रॉ करने के बाद गाइस बाकी के पार्ट को हम बनाएंगे। तो आई को देखते हुए आई के अकॉर्डिंग जो है बाकी जो पार्ट है फेशियल फीचर है, जैसे कि नोज हो गया, लिप्स हो गया, बाकी के पार्ट को हम बनाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर जो है आउटलाइन को बना देता हूँ आई की, तो आगे उसके बाद बताऊंगा। तो यहाँ पर दोनों आई को बनाने के बाद अभी यहाँ पर जो है नोज की पोजीशन सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आई को देखते हुए जो लाइन ड्रॉ किया हूँ, वहाँ से गाइस नीचे जो है आप लोगों को जो है लंबाई आप लोगों को नाप लेने की कितना है। तो नाप लेने के लिए गाइस यहाँ पर मैं पेंसिल के थ्रू यहाँ पर मैं मेयर कर रहा हूँ। तो मेयर करके गाइस आप लोगों को पेपर में जो है जो लंबाई आप लोगों को मार्क कर देनी है। तो अभी यहाँ पर जो है चौड़ाई आप लोगों को देखना है। जो चौड़ाई देखने के लिए गाइस आप लोगों को आई को देखना पड़ेगा। तो आई की कौन सी पॉइंट से, जो कौन सी पार्ट से नीचे जो है जो लाइन है जो पार्ट है स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों को देख के जो है यहाँ पर जो है एक दो लाइन ड्रॉ करके जो है आप लोगों को जो है जो नोच की पोजीशन सेट कर देनी है। तो इसके अंदर जो है अभी जो नोच है आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो है नोच के आउटलाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, उसके बाद जो है बाकी पार्ट आगे ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पर जो है नोज की आउटलाइन मैं सेट कर चुका हूँ। तो अभी यहाँ पर जो लिप्स की पोजीशन सेट करने के लिए जो नोज की लास्ट पॉइंट है वहाँ से आप लोगों को जो है मेयर करनी है कितना डिस्टेंस में है। तो यहाँ पर मैं पेंसिल के थ्रू यहाँ पर मेयर करके जो है मार्क कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर जो है लंबाई तो हो गई है, तो अभी यहाँ पर चौड़ाई देखने के लिए आई की कौन सी पार्ट के नीचे जो है ये वाला जो लाइन है स्टार्ट हो रहा है उसको देख के आप लोगों को जो है यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके जो है मार्क कर देने। मार्क करने के बाद जो है आउटलाइन को आप लोगों को ड्रॉ कर देने लिप्स की। उसके बाद जो बाकी पार्ट को जो बाकी पार्ट बच गया है मतलब, तो उसको भी इस तरह से जो है मेयर वगैरह करके जो है आप लोगों को आउटलाइन को ड्रॉ करना है। जैसे कि जो आईब्रो पार्ट बच गया है यहाँ पर, तो आईब्रो पार्ट को इस तरह से जो है आई की कितने डिस्टेंस पड़ रहा है तो कितना गैप है उसको देखते हुए आगे जो है आईब्रो पार्ट को भी मैं यहाँ पर मेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो है इतना तो कितना डिस्टेंस है आप लोगों को मेयर कर देनी है। तो मेयर करके जो है मार्क करके जो है आउटलाइन को जो है बना देनी है आईब्रो की। उसके बाद जो है जो मुकुट पार्ट जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको भी देखने वाले हैं। तो उसको देखने के लिए गाइस जो है जो आई की दिखते हुए जो लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर, तो उसको वहाँ से जो है आप लोगों को मेयर कर देनी डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर मार्क कर दिया, तो उसके बाद जो है जो आउटलाइन यहाँ पर बना देने वाला हूँ। तो यहाँ पर अभी जो है जो ईयर है उसको देखने के लिए जो आईब्रो से देख सकते हो यहाँ पर जो है लाइन ड्रॉ किया हूँ, और यहाँ पर जो है नोज को देखते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया हूँ। तो इतने के डिस्टेंस में जो है जो यहाँ से, तो यहाँ से जो है जो जो ईयर है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जो है ईयर की जो आउटलाइन यहाँ पर बना रहा हूँ। तो दूसरी ईयर को भी इस तरह से जो है मेयर करने वाला हूँ। उसके बाद जो बाकी पार्ट है उसको यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत मेयर वगैरह करके जो है आउटलाइन को बनाने वाला हूँ। तो देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर मैं आउटलाइन को बनाता हूँ मेयर वगैरह करके। तो देखिए
तो यहाँ पर जो है गाइस मैं आउटलाइन को बना चुका हूँ। तो अभी यहाँ पर गाइस जो भी एक्स्ट्रा लाइन वगैरह आप देख रहे हो, जो भी जो मार्क वगैरह किया था, तो उस लाइन को आप लोग को इरेज कर देना है। तो यहाँ पर जो टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर है उसका यूज करके जो है यहाँ पर मैं जो मार्किंग वगैरह उसको मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ। तो गाइस आउटलाइन किस तरह से चला जरूर नीचे कमेंट करना गाइस। अभी तो जो भी चैनल सोचे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इसकी नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।